सिवनी जिले के जनपद पंचायत छपारा के ग्राम जमुनिया केलवारी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय किसानों की मुख्य मांग माचागोरा नहर का पानी अपने क्षेत्र की नहर में लाने के लिए बैठक की गई। किसानों ने ज्ञापन पुलिस प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा, जिसमें कलेक्टर को भी पत्र भेजकर अवगत कराया। वहीं किसान संघर्ष समिति के प्रमुख युवा किसान राकेश शाह उइके ने कहा कि क्षेत्र में नहर आंदोलन को जोर पकड़ चुका है। हमारा क्षेत्र पानी की वजह से कमज़ोर पड़ रहा था और गर्मी के दिनों में पानी की त्राही त्राही मची गई है, इसलिए नहर में खेतों तक पानी लाने के लिए माचागोरा डैम से पानी के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। आज़ादी के 72 वर्ष हो चुके, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, बड़े बड़े बांध बने। आज यहाँ का आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का किसान पीड़ित है। आज ये स्थिति इस क्षेत्र में कि यहाँ का आदमी बाहर काम करने जाता है, नागपुर जा रहा, बॉम्बे जा रहा, कर्नाटक जा रहा है, दूर दूर तक काम करने जाता है। ये लगातार 72 वर्ष हो गए शासन की योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं है। यहाँ का किसानों ने, महासंघ ने एक संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र में पानी के लिए हमको संघर्ष करना है। पानी की मांग रखे हैं महापंचायत के द्वारा। माचागोरा का पानी यहाँ से बालाघाट जा रहा है और यहाँ का पानी भी बालाघाट जा रहा है। इस बहुत बड़ी नदी पीछे अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ढारिया नदी, हमारी ये मांग है कि माचागोरा का पानी जो है नहर के लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से ये दरवई का जो जंगल है, जंगल के ऊपर वहाँ गिरा दी जाए तो वहाँ से नहर का निर्माण इधर पूरे क्षेत्र में हो जाएगी। इधर 10-25-30 गांव है, बहुत दूर दूर तक ये पानी चला जाएगा। ये हमारी मांग है सरकार से। और क्या है कि यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो सांसद हो, विधायक हो, आज तक इन्होंने किसानों की मांग नहीं उठाई। अभी देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष से 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल आया, पास हो गया। भूमि अधिग्रहण को मतलब ये किसान नहीं समझते हैं, कोई भी आएगा सरकार ले ले, कंपनी ले ले जमीन, भूमि अधिग्रहण का बिल पास हो गया है। उसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो सरकार ने गलत पास की है। और अभी अध्यादेश लाया देश के प्रधानमंत्री जी ने, 3 अध्यादेश लाया है जो किसानों को ख़त्म कर रहे हैं। किसानों के पास ये भूमि नहीं रहेगी, कंपनियां इस धरती पर आने की किसानी करेंगे तो हम उसका भूमि जो इन्होंने अध्यादेश लाया उसका भी हम विरोध कर रहे हैं किसान के माध्यम से, और पानी की मांग कर रहे हैं हम एक बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।